हाय गाइस, सो आज हम बनाएंगे चॉकलेट आइसिंग। इसे फ्रॉस्टिंग भी बोलते हैं, इसे बटर क्रीम भी बोलते हैं, इसे हम व्हिपिंग क्रीम भी बोलते हैं। तो ये हम बनाएंगे बिना किसी मार्केट से मंगवाई हुई व्हिपिंग क्रीम के और हैवी क्रीम के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है। नॉनस्टिक पैन में अब मैंने डाली है चीनी। क्वांटिटीज़ बिल्कुल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं वो ही फॉलो करना आप, प्लीज़ इसमें चेंज बिल्कुल मत करना। तो चीनी के अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, ये मैंने इसमें डाल लिया है दूध। अब दूध के साथ साथ हम डालेंगे इसमें मैदा। ये मैंने एक बड़ा चम्मच इसमें मैदा भी डाल दिया है। अब इसको आप मिक्स कर लीजिए, सारे लम्स निकल जाए ताकि आपके मैदे के। जब ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप अपनी गैस को ऑन कर लें। गैस आप रखेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर और इसे इस तरीके का होने तक आप इसे पकाएंगे। तो 2-3 मिनट में ऐसा ये हो जाएगा। जैसे ही ये ऐसा हो आप गैस को बंद करें और उसमें डालेंगे आप अपनी चॉकलेट और कोको पाउडर। अगर आपको कोको पाउडर नहीं डालना है, आप खाली चॉकलेट भी डाल सकते हैं। चॉकलेट नहीं डालनी है, कोको पाउडर डालना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो आप इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आप इसे फ्लेम पर रखेंगे। अगर आप इसे फ्लेम पर रखकर ही मिक्स करते तो ये जल सकता था, आपकी चॉकलेट जल सकती थी। तो अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा और इस तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। अब जैसे ही ऐसा हो गैस बंद करिए, इसे थोड़ा सा ठंडा करिए और इस तरीके से कंटेनर में डाल दीजिए। कंटेनर में डालने के बाद आप इसे कवर कर लीजिए, या तो आप एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लीजिए या इस तरीके से क्लिंग रैप से कवर कर लीजिए और उसके ऊपर भी थोड़ा सा टच कर दीजिए ताकि इसके ऊपर एक लेयर सी ना आए। तो इसे हमने अब बंद करेंगे और इसे हम फ्रिज में रखेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट या जब तक ये थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए। अब आप लेंगे मक्खन। मक्खन लिया है मैंने अनसॉल्टेड बटर, 100 ग्राम मक्खन है मेरे पास और इसको रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था। इसे अच्छे से हम एक ही डायरेक्शन में फेंटते रहेंगे, तब तक फेंटेंगे जब तक कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा वाइट सा होने लग जाएगा। ये देखिए कलर वाइट हो गया है और ये थोड़ा सा साइज़ में भी बढ़ गया है, इसमें एयर आ गई है। अब आप इसे रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म था, गर्म में कभी भी आइसिंग नहीं बनती है। तो अब ये फ्रिज में मैंने 10-15 मिनट रखा और ये इस तरीके का हो गया। तो अब इसमें मैंने डाली है अपनी चॉकलेट का मिक्सचर, आधा ही डालें, थोड़ा थोड़ा करके आप इसे मिक्स करेंगे। एक ही डायरेक्शन में विस्क करिए, ये देखिए एक ही डायरेक्शन में मैं इसको विस्क कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर है तो आप उससे करिए, उससे और भी जल्दी हो जाएगा। नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, नॉर्मल चम्मच से भी कर सकते हैं। आधा ये मैंने और डाला। अगर आप इसे और ज़्यादा चॉकलेटी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डाल लीजिए। कोको पाउडर से इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा और ये और ज़्यादा चॉकलेटी हो जाएगा। नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो जब ये बिल्कुल हल्का लाइट हो जाएगा तो यानी आपकी आइसिंग रेडी है। अब ये मैंने अपने केक को 2 पार्ट्स में काट लिया है। ये देखिए मेरा केक एकदम मॉइस्ट है। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। अगर आपका केक थोड़ा सा भी ड्राई है तो आप इसमें चीनी और पानी का घोल डाल लीजिए। चीनी पानी के घोल की क्वांटिटीज़ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब उसके ऊपर हम लगाएंगे खूब सारी बटर क्रीम या फ्रॉस्टिंग या व्हिपिंग क्रीम, जो भी आप इसे कहना चाहें। तो ये मैंने खूब सारी लगा ली। अब मैंने इसके ऊपर रखा है ये दूसरा हाफ। तो अब इसके ऊपर मैं कर रही हूँ क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग से ये छोटे छोटे जो पीसेस हैं जो इधर उधर गिरे हुए हैं ये हमारी मेन फ्रॉस्टिंग में ना आए, तो उसके लिए हम करते हैं। बिल्कुल हल्की सी लेयर लगा के फ्रिज में रख दिया था। अब 10 मिनट के बाद इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ खूब सारी क्रीम। अब जब मैं ये क्रीम लगाऊंगी तो मेरा इसके अंदर ये क्रम नहीं आएगा, ये छोटे छोटे हिस्से नहीं आएंगे। तो ये अच्छे से हम हर तरफ लगा देंगे। इसको आप किसी नाइफ या चम्मच या इस तरीके से स्पैचुला की मदद से आप इसे फ्लैट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसके ऊपर और भी चीज़ें लगा देंगे तो ये इतना दिखेगा नहीं। अगर आपको लगता है आपकी क्रीम पिघल रही है तो आप इसे फ्रिज में रखिए और फिर ये काम करिए, तो इससे आपका स्मूथ आएगा लेयर। तो ये मैंने इस तरीके से इसको इकसार कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने डाली है ग्रेटेड चॉकलेट। तो ये मैंने नॉर्मल चॉकलेट थी उसको ग्रेट कर लिया है और ग्रेटेड चॉकलेट को आप फ्रिज में ही रखें, बाहर ना रखें। अगर आप बाहर रखेंगे तो ये पिघलने लग जाएगी। ये अब इसके ऊपर ये मैंने कुछ बादाम कट कर लिए थे, ये मैं वो लगा रही हूँ साइड में। थोड़ी थोड़ी चॉकलेट और डाल दी है मैंने जहाँ जहाँ पे भी जगह थी। आप जैसे डेकोरेट करना चाहें आप इसे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये मैंने इसके ऊपर थोड़े से काजू लगा दिए हैं। आपके पास टूटी फ्रूटीज़ हैं, चेरीज़ हैं या जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, आपका जो मन करे आप इसके ऊपर लगाइए। अब इसको मैं बिल्कुल ध्यान से, मैंने पहले नीचे से एक बार उठाने की कोशिश की है, देखिए
बिल्कुल आराम से उठाकर हम इसे अपनी प्लेट पर रख लेंगे। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। फ्रिज में रख दिया था मैंने इसे 10-15 मिनट के लिए और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो इसे ठंडा ठंडा ही सर्व करें। तो अंदर से भी मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट बना है हमारा केक। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, हमारी फ्रॉस्टिंग भी कितनी अच्छे से इस पर लगी हुई है। इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे एक बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी पता लग जाए। थैंक्स, बाय।